वालेकुम नाजरीन, इस वक्त लियारी गर्ल्स एंड यंग बॉयज़ बॉक्सिंग क्लब के अंदर हम मौजूद हैं कुमनी उसकी टीम के साथ। आपका मेज़बान इसहाक जखोई हाज़िर है। तो हमारे साथ जो है इस क्लब के जो है चीफ कोच और इंटरनेशनल बॉक्सर मोहम्मद अमीन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो चीफ कोच नवाब साहब मौजूद हैं हमारे, तो इनसे पूछते हैं कि सर ये बॉक्सिंग क्लब आप यहाँ पर ट्रेनिंग करवाते हैं, तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट के हवाले से या किसी हवाले से कोई बॉक्सिंग बच्चों के लिए या आपके क्लब के लिए कोई सपोर्ट है? हमारे पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अंदर वो इलाका जो लियारी स्पोर्ट का घर है, ये पूरा दुनिया जानता है कि लियारी स्पोर्ट के फुटबॉल और बॉक्सिंग का घर है। और लियारी का दूसरा नाम जो है ब्राज़ील रखा गया। तो हमारे लियारी में स्पोर्ट के लिए और खिलाड़ियों के लिए हुकूमत जो है स्पोर्ट को हमारे यहाँ तरक्की नहीं देता। अगर हुकूमत पाकिस्तान हमारे यहाँ के खिलाड़ियों को या स्पोर्ट क्लबों को जो है उनको एक ऐसा जो है फंड जो है उसमें अदा करें, ताकि वो क्लब इन्हीं फंड में जो छोटे छोटे टूर्नामेंट होते हैं, जैसा अभी इस वक्त जो है सिर्फ बॉक्सिंग जो टूर्नामेंट होते हैं वो हमारे जो है पेडिशन के जो है उन करवाते हैं, जैसा हमारे सिंध स्पोर्ट हो गया या कराची साउथ हो गया या पाकिस्तान पेडिशन होता है। तो पाकिस्तान के अंदर ये टूर्नामेंट चलाते हैं। तो हम मैं ये कहना चाहता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान और सिंध स्पोर्ट जो है अगर क्लबों में जो है वहाँ विज़िट करें, या सिंध स्पोर्ट के जनरल सेक्रेटरी या उनका सदर या उनके और नुमाइंदे लियारी के अंदर जितने भी क्लब है उनके जो है वो अगर विज़िट करें, देखें किस क्लब को जो है किस चीज़ की ज़रूरत है। जैसा यंग लियारी गर्ल्स बॉक्सिंग क्लब, ये एक गवर्नमेंट का जो है ये जगह है और हमें जो है ना ये जगह जो है बना दिया गया स्पोर्ट के हवाले में। लेकिन मैं चाहता हूँ इसके साथ साथ अगर इस क्लब में जो है कोई स्पॉन्सर अगर मुझे कुछ जो ताउन करे, अगर हमें कुछ लोग ऐसे भी जो हैं जो हर जगह हर स्पोर्ट के हर लोगों के लिए जो मदद करता है, अगर ऐसे लोग जो हैं अगर हमें जो साथ दें, अगर हमारे साथ जो है जो एक मुआवजा अगर हमें दिया जाए, तो इन्हीं मुआवजों में भी और मैं बच्चियों के लिए जो है कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। उनके जो किट हैं, ऐसे भी बच्चियाँ हैं उनके लिए किट भी नहीं होता, और उनके लिए मैं जो है इन्हीं से जो है उनका किट भी जो है मैं खुद बनवाऊँगा, और उनके जो ट्रेनिंग के जो चीज़ें भी होते हैं और मैं उनके लिए और हर चीज़ जो है वो मैं लूँगा। बाकी स्पोर्ट बॉक्सिंग एक ऐसी चीज़ है कि हमारे पाकिस्तान में पहले गर्ल्स के हवाले में बॉक्सिंग नहीं हुआ करता था, लेकिन आज से 5 साल पहले जो है गर्ल्स बॉक्सिंग शुरू हुआ, उससे लेकर अब तक इनके 5 साल 3 महीना हो चुका है। तो गर्ल्स ने माशाल्लाह यहाँ ट्रेनिंग करते हुए और बच्चियों ने अपने मेहनत से अपने उस्ताद की जो है जितनी खिदमत की, उन बच्चियों ने बहुत जो है मेहनत की और उस्ताद का दिल जो है उन बच्चियों ने अपने तरफ छीन लिया। तो इसी तरह तो उस्ताद का दिल भी अपने बच्चों के ऊपर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करवाने के लिए उनका जो दिल उनका सोच। लेकिन हमारे यहाँ पर बदबख्ती ये है
कि जो हमारे यहाँ स्पोर्ट के लिए जो है जो सामान की जो खास जो ज़रूरत है इस वक्त वो सामान हमारे क्लब में नहीं है। सिर्फ हमारे पास या बैग होता, पंचिंग होता, बैग पंचिंग होता, ग्लोव्स होता है और रस्सी होता जंपिंग, लेकिन ये अधूरा ट्रेनिंग होता है। तो मशीनरी चीज़ अगर हमारे क्लब में अगर जो है सिंध स्पोर्ट या हुकूमत पाकिस्तान या कोई स्पॉन्सर अगर हमें इन चीज़ मशीनरी जो चीज़ है अगर हमें ऐसा चीज़ मिले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान लियारी के अंदर अच्छे अच्छे खिलाड़ी पैदा होंगे और ओ खिलाड़ी पाकिस्तान का जो है परचम बैरूनी मुल्क में इंशाल्लाह बुलंद करेगा। सर मुझे ये बताएं, यहाँ पर कुछ अरसा पहले ये बिल्कुल ओपन हुआ करता था क्लब, छोटा मोटा क्लब होता था, तो ये माशाल्लाह ये तो थोड़ा सा बना हुआ नज़र आ रहा है, तो आपने भी सपोर्ट के हवाले से कहा, तो ये इस पर आपने खुद किया या किसी की मदद से हुआ है? असल में यहाँ पर एक जो है इंटरनेशनल मीडिया आया हुआ था तो उन्होंने जो है ना यहाँ आने को दिल इसलिए लगा कि हमने बजाते खुद पहले जो है ना यहाँ डॉक्यूमेंट्री की शक्ल में यहाँ मैंने फिल्म अपनी ट्रेनिंग की बच्चियों से करवाया था, तो फिर वो जो ट्रेनिंग का जो हमारा करवाना तो उन लोगों ने जो है फिर देख कर नेट के अंदर फिर वहाँ से जो है इंटरनेशनल मीडिया पर यहाँ पर आके पहुँचे, तो यह वो उनके आने से तो यहाँ पर उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई, फिर उन्होंने फिल्म बनाने के बाद फिर दोबारा वो अपने मुल्क गया तो वहाँ उन्होंने इस पिक्चर को जो है अच्छी सी लेकिन उसमें पोजिशन डालकर और उसमें जो है उस पिक्चर को नेट में बैठ डाल दिया। तो आसिफा भुट्टो जरदारी ने उस वक्त वो दुबई में थी तो उन्होंने इस पिक्चर को देखकर फिर आसिफा भुट्टो ने जो है अब बिलावल हाउस में फ़ोन किया कि लियारी के अंदर यंग लियारी बॉक्सिंग क्लब है, आजी पी मोहम्मद रोड के ऊपर है और वहाँ का उस्ताद का नाम है उस्ताद नवाब अली, आप वहाँ पर जाएं विज़िट करें, उनसे पूछें क्या आप इन बच्चियों को आप ट्रेनिंग करवाते हो, क्या गवर्नमेंट आपको क्यों तनख्वाह देता है। मैं वो जब आके हमसे हर चीज़ पूछा तो मैंने कहा ना गवर्नमेंट हमें तनख्वाह देता ना गवर्नमेंट हमें जो है कोई इन क्लब के लिए कोई सामान वगैरह जो है फराहम करता है, लेकिन इसके बाद फिर आसिफा भुट्टो ने अब जैसा जिस क्लब में अभी मैं मौजूद हूँ आप लोग देख रहे हैं कि आसिफा भुट्टो ने अपने उन लोगों को यहाँ भेजा और लोगों ने आकर यहाँ तस्वीरें बनाई यहाँ हर चीज़ लिखवाया, फिर आसिफा भुट्टो ने वो चीज़ जो है सिंध स्पोर्ट से जो है हमें दिलवाया। उस वक़्त ये उफन था, ये चित सिर्फ हमारे बैक साइड में एक कमरा होता था, बाकी ये सारा जो है ये पूरे एक हवेली की शिकल में था कुल्ले आसमान में। आपके कहने का मकसद है ये सारा काम जो है छतें वगैरह जितनी भी है ये अच्छा सा माहौल जो है आसिफा भुट्टो ने बनाया है? जी हाँ, ये आसिफा भुट्टो की बड़ी मेहरबानी है जो है जिन्होंने इस क्लब को जो दिल लगा कर अपने लिए काम करवा दिया। और अभी यहाँ पर जो लाइट की हमारे पास बड़ा प्रॉब्लम होता था तो फिर मैंने आसिफा से जो जिक्र किया तो फिर उन्होंने हमें जो है सोलर भी लगवा दिया, अगर हमारा बिजली जाता है तो सोलर नहीं जाता। मजीद क्या अपील करेंगे आसिफा भुट्टो से? इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ अपने बच्चियों के साथ मिल के जो बैठेंगे हम आसिफा से इतना उम्मीद रखते हैं कि वो जब भी हमें याद करेगा और बच्चियों के लिए जो है हमारे क्लब को बेहतर से बेहतर बनाने की ख्वाहिश रखेगी। थैंक यू।